Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में चल रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत के साथ हुई ट्विटर वॉर के दौरान कंगना ने मुंबई को असुरक्षित और पीओके बता दिया था। वहीं संजय ने कंगना को हरामखोर और फिर नॉटी कहा था। इसके बाद कंगना ने ऐलान किया था कि वे मुंबई आएंगी। कंगना ने अपने बयानों में मुंबई को असुरक्षित भी बताया, जिसके बाद उन्हें केंद्र सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। कंगना जिस दिन मुंबई पहुंची थी उसी दिन उनके भाई ऑफिस में बीएमसी ने एक्शन लिया और तोड़फोड़ की गई। कंगना ने उसके बाद अपने ऑफिस को राम मंदिर और बीएमसी कर्मचारियों को बाबर से तुलना कर दी थी। अब चूंकि कंगना वापस हिमाचल प्रदेश लौट गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कंगना की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। इस शख्स ने लिखा है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा एक इंसान को देने पर केंद्र सरकार को हर महीने 10 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये पैसा टैक्स भरने वाले लोगों का है। चूँकि अब कंगना हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित हैं और पीओके से बहुत दूर जा चुकी हैं, ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी सरकार उनकी सुरक्षा को हटाएगी? इस पर रिएक्ट करते हुए कंगना ने लिखा है, ब्रजेश जी, सुरक्षा इस आधार पर नहीं दी जाती है कि आप क्या सोचते हैं या मैं क्या सोचती हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो खतरे की जांच करती है। इस खतरे के आधार पर मेरी सिक्योरिटी की ग्रेड का फैसला होता है। भगवान ने चाहा तो आगे आने वाले दिनों में यह सिक्योरिटी पूरी तरह से हटा ली जाएगी, और अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के खराब रिपोर्ट मिलती है तो हो सकता है कि सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाए। बता दें कि कंगना रनौत जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहती है, जिसके बाद से अब जो है सीधा का सीधा शिवसेना सरकार और मुंबई सरकार से भिड़ गई है, जिसके बाद से मुंबई पुलिस पर और वहाँ के बीएमसी कर्मचारियों पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते शिवसेना नेता और कंगना रनौत में आमने सामने की बात भिड़ गई थी। इसके बाद से बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर इनके घर को ढा दिया था, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी थी। और आज उनके वकील ने बताया कि ये जो खर्चा है वो लगभग 10 लाख प्रति महीना का है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.